वेलकम माय फ्यूचर मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, आ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ले आपसे मिला और देसी साहब भी आ गए, आ जाइए। मेरे भविष्य के, फ्यूचर के आप हैं मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, है ना? दो मिनट बस वेट करूंगा, ये सब आ जाएं, सब लोग ज्वाइन हो जाएं, वरना फिर बाद में बोलते हैं सर आप शुरू कर देते हैं, छूट जाता है हमारा। अभी तक पासपोर्ट ही नहीं मिल पाया है। बस थोड़े से लोग ही आज मैंने इनवाइट किया, मैंने ज्यादा सबको बुलाया नहीं, है ना? आवाज मेरी क्लियर है ना? साउंड वो चैट में जो भी चीज हुआ करे वो करते रहा करिए, चैट में सब फटाफट नोट कर दिया करिए, उसमें जो भी चीज हो, क्लियर है नहीं है, वॉइस है ना, वीडियो है, आइए जल्दी आइए फटाफट। ठीक है, फ्यूचर के मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, हाँ ठीक है, यस 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 टू एवरीवन। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट, शुरू करते हैं। राज सर, अरे वाह, हेलो, अरे हाँ राज सर, ये आप लोग क्या किसी दूसरे ग्रुप में भी हैं? हेलो, आप लोग, मुझे लगता है कि किसी, भाई साहब जी धन्यवाद, आप लोग मुझे लगता है किसी दूसरे ग्रुप में भी हैं। मैं यहाँ म्यूट कर रहा हूँ सबको, मैं चैट में मैसेज कर दीजिए, मैसेज चैट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? चैट कर दीजिए, हेलो, लिख के भेज दीजिए मुझे जो भी आप बोलना चाह रहे हो, लिख के मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, सो सबसे पहले नंबर पे समझ लें, फोर थिंग्स यू नीड टू डू, यू मस्ट टू डू, यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको फोर थिंग्स, चार चीजों पे ध्यान देना ही देना होगा। नंबर वन, यू मस्ट गेट अटेंशन, यू गेट गेट सम अटेंशन, मैन आपको अटेंशन लेना होती है। अटेंशन कैसे लेते हैं? अटेंशन के लिए आपको प्रेजेंट करना होता, मतलब डर के नहीं खेलना है। आप ऑफेंसिव खेलते हैं या डिफेंसिव खेलते हैं? बच बच के, डर डर के नहीं, जीवन की लाइफ में बॉल्स खत्म नहीं होती, ताबड़तोड़ खेलना है, ताबड़तोड़ प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो ताबड़तोड़ खेलना है, डर डर के बच बच के खेलेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ऑफेंसिव खेलना होता है कि डिफेंसिव, बताइए कमेंट में, बताएं। नो आई एम नॉट एनी अदर ग्रुप, अच्छा ठीक है, आप नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मैं पूछा था जो है वो जो नहीं है वो, उनको कोई बात ही नहीं। आप बताइए, आप ऑफेंसिव खेलते हैं कि डिफेंसिव खेलते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट बोलें, जवाब देते रहे, मतलब रक्षात्मक खेलते हैं कि आक्रामक खेलते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं? ताबड़तोड़ खेलिए, ये नहीं खत्म होती है रियल लाइफ में आपको। और नंबर टू है कि आपको क्या करना है, नंबर वन है यू मस्ट गेट अटेंशन, नंबर टू यू गेट अगेट सम हेटर्स, आपको कुछ हेटर्स चाहिए होते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ाए, मैं बताऊंगा कैसे, है ना, कैसे हेटर्स चाहिए। नंबर थ्री है आपको चाहिए, नंबर वन पे था अटेंशन, नंबर टू पे हेटर्स, और नंबर थ्री पे आपको चाहिए क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, आपकी आलोचना हो। आप डरिए मत, आप छुपिए मत, रुकिए मत, सामने आइए, सामने से वार करिए, सामने से बात करिए, और आलोचना थोड़ी सी होना चाहिए आपकी। आलोचना उसी की होती है जो सक्सेस कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो डरिए मत, बिंदास करिए। और नंबर तीन पे आता है, वो सॉरी नंबर चार पे आएगा आपका शुक्र,
मतलब आपको अप्रिशिएट करना होता है, कोई भी चीज आपको मिली है उसका आपको धन्यवाद देना है, शुक्र अदा करना है, ना शुक्रा नहीं बनना है, एक होता है ना शुक्रा, एक होता है शुक्रगुजार बंदा, है ना, एहसान फरामोश और एक होता है एहसान मंद एहसान फरामोश। तो जो जो लोग एहसान मानते हैं, मतलब एक होता है, समझ रहे हैं ना, एक आभार प्रकट करना होता है, जो चीज के आभार प्रकट करते हैं वो चीजें बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो आप ये समझ लीजिए कि किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मन में जितने डाउट है वो सारी चीजें सारी की सारी आप निकाल दीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र होइए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं श्योरिटी ले रहा हूँ सारी चीजों की। ठीक है, मुझे कुछ मालूम है, मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ तो मुझको कुछ पता है, इसीलिए मैं वो सारी चीजें बोलता हूँ और मैं जो बोलता हूँ उससे ज्यादा करता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको सारी चीजें समझना है कि कैसे क्या करना है। अब एक चीज आप ये समझिए, हमारे साथ राजेश कुमार जुड़े थे आज से 4-5 साल पहले, बहुत डर रहे थे, इतना डरना भी चाहिए, मैं भी डरता हूँ, ऐसा नहीं है। हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, मन में डाउट होता है, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। वो डर रहे थे, उन्हें उनको उनको इतना डर था, इतना डर कि वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बाहर निकले थे घर से, वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, कभी गए नहीं कहीं, तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या है क्या नहीं। फिर मैंने उनको अपने साथ 4 साल रखा। अब 4 साल जब वो मेरे साथ में रहे तो उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये कैसे क्या होता है। और आप यकीन मानिए, एक प्रोग्राम करा उन्होंने, 50 संस्थाओं को बुलाया। ठीक है, एक संस्था से 1000 रुपए लिए, तो 50 लोगों को इनवाइट करा सेमिनार के लिए, कितना रुपया हो गया, 50,000। हमने 5,000 संस्थाओं को ट्रेनिंग दी, तो कितना रुपया हो गया, एक दिन में डेली का है ये, डेली का, और ये आपके साथ में होगी सारी चीजें। ठीक है, क्या होंगी, कैसे होंगी, ये चीज समझना होगा। अब फोन कर रहे हैं, अब फोन मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा इस टाइम, वैसे भी नहीं कर पाता जब प्रोग्राम में होता हूँ मैं, तो आप समझिए। हाँ, म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको, जो भी है मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैसेज कर दिया करिए, अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप मैसेज कर दिया करिए, मैं चैट बॉक्स में निगाह रखता हूँ। तो आप समझिए कैसे करना है, क्या करना है। आप पहले, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयरिंग करता हूँ कुछ चीजें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ये कंपनीज हैं और इनकी पूरी और इनको मैं आपको सारी चीजें आपको दे दूंगा। ये हो नहीं पा रहा है ना, कॉपीराइट का आ रहा है कुछ, तो वो लगा हुआ है सेटिंग। मैं इसको आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो में चलाता हूं, अभी देखता हूं कैसे कर सकता हूं। हाँ, चल गई, ठीक है, कोई इशू नहीं, चलिए चल गई। ये हैं, ये कंपनीज हैं, A to Z सब यहाँ पे हैं, पूरी पूरी कंपनियों के नाम है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये हैं ये मैं पीडीएफ में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, ले नहीं पा रहा है, है ना, कोई नहीं, मैं ये भेज दूंगा आपको, सब पीडीएफ रेडी हो गए, सब आपको मिल जाएंगे। ये इस तरीके से पूरे पूरे कंपनियों के नाम हैं, एड्रेस हैं, फोन नंबर्स हैं। ठीक, जैसे ये है, ठीक है, अब ये ये विद एड्रेस, विद फोन नंबर, विद वेबसाइट, सारी चीजें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या चीज मांगते हैं, कौन कौन से पेमेंट्स हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, A to Z चीज है इसके पास। ठीक है,
तो आपको पूरी डिटेल सब मिल जाएगी। ऐसे वेबसाइट खुलेगी, जैसे आप लिंक करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएंगी स्क्रीन। आप यहां से जाके सब ऑनलाइन है, घर बैठे सारी चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके के कोई इशू नहीं, ठीक है। ये वेबसाइट है, एड्रेस दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ए टू जेड चीज दिखाई देगी। दो मिनट ये देख लीजिए, फिर अभी हम बात करेंगे क्या है क्या। ये ऑफिसेज हैं, अब कहाँ कहाँ हैं ये देखिए, ये ऑफिस, ये न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, ठीक है, आपका जहां से आप हैं वहां वहां के ऑफिस हैं, सारे ऑफिस हैं, पूरे पक्के एड्रेस हैं, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, अधिकारी का नाम, ए टू जेड। जैसे मैंने बोला ये लखनऊ गोमती नगर में है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके पास जाना है, विशाखापट्टनम, ये गोंडा, बहराइच, जहां जहां से भी आप हैं, कोलकाता, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, थाने, मुंबई, जहां से भी आप हैं वहां वहां के ये सारे सारे सब ए टू जेड चीज अवेलेबल है, ठीक है। अब करना आपको है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आप डिसाइड करिए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक तो मुझको ज्यादा कुछ आता नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सेटिंग किधर से किधर मैं पहुंच जाता हूं, इतनी चीजें खुली रहती हैं, रिकॉर्ड तोड़ चीजें, तो वो मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ। कुलदीप जी अब आए, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये है इस तरीके से पूरी, ये है पेन ड्राइव्स, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, गवर्नमेंट की सारी हैं वेबसाइट्स, सीएसआर फंड की हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की हैं, सारे एनजीओज हैं, वॉलंटियर आपको चाहिए तो वॉलंटियर मिल जाएंगे देश विदेश से, जहां से आप चाहेंगे वो, मतलब आप जो सोच भी नहीं सकते वो सारी चीजें आपके अवेलेबल हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले पहले नंबर पे आप एक पर्सनल मीटिंग फिक्स करिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले नंबर पे एक पर्सनल मीटिंग फिक्स करिए तो सारी चीजें, हाँ वो दिख नहीं रही होगी, वो मैं भेज दूंगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ वो नहीं दिख रहा है कॉपीराइट की वजह से, तो मैं अभी 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 मैं तुरंत ये मीटिंग खत्म होने से पहले ही मैं आप लोग को व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से उसको देख लीजिए और उसके बाद बोलिएगा तो मैं फिर से मीटिंग लगा दूंगा दोबारा, ठीक। सारी लिस्ट मैं भेज दे रहा हूँ आप लोग को, पूरी पीडीएफ सब भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले नंबर पे पर्सनल विजिट आप फिक्स करिए, पर्सनल मीटिंग फिक्स करिए, क्योंकि उसके बाद में ही सारी चीजें होंगी। तो फाइनल लिस्ट हमारी बन चुकी है, जितनी भी बनना थी हमारी, बस दो तीन चार ही जगह खाली हैं, वो हमारे एक से दो दिन में हो जाएंगे, फिर मैं निकल जाऊंगा पर्सनल मीटिंग, पर्सनल विजिट के लिए, हफ्ते भर, दस दिन, जितना भी टाइम लगता है उतने दिन। और आप खुद देखिए कि जैसे मैं मिलूंगा वैसे तुरंत सारी चीजें स्टार्टअप, तुरंत ए टू जेड चीज, ठीक है। अब कौन आए, दो तीन लोग और हैं, अब तो मीटिंग सब ओवर होने वाली है, अब क्या फायदा आने से, ठीक है। तो मैं वो सारी चीज, क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ रहा है तो इसलिए वो उसको यूज भी मत करिएगा कहीं पे, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो सिक्योरिटी है बहुत बहुत टाइट है, वो शो हो नहीं पा रहा है पब्लिक को, तो वो ऑनलाइन में फंस रहा है। तो मैं आपको अभी भेजता हूँ, पहले नंबर पे मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं यहीं से भेज दे रहा हूँ, आप उसको, आप लोग के पास हो जाएगी तो वो आप देख लेंगे बहुत आराम से। ज्वाइन नहीं हो रहा है, अब तो क्या, अब तो हो गया सब ज्वाइन, अब क्या, तो मैसेज आया है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अब तो हो गई मीटिंग। और रोज डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाया करिए, 10-15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, 15-20 मिनट, तो ये एक बातचीत हो जाती है, फिर उसके बाद में मैं मटेरियल दे देता हूँ, फिर आपका कोई क्वेश्चन है, फोन है, तो इससे क्या होता है, एक एक कोऑर्डिनेशन बैठता है ना, तो जो गैप है बीच में से वो गायब हो जाएगा, और जब कोऑर्डिनेट बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन बैठेगा, तो फिर सारी चीजें समझ में आती है, इजी हो जाती है सारी चीजें,
ठीक है, वो अभी मैं पहले भेज दे रहा हूँ, उसके बाद में मीटिंग करूंगा, क्योंकि वो दिखाना जरूरी था और वो दिख पा नहीं रहा है, तो मैं आपको पहले अभी वो भेज दे रहा हूँ, उसके बाद में हम मीटिंग करते हैं, ठीक है? ठीक, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, भिजवा रहा हूँ जो भी है सबको, फिर उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, तो वो देख लीजिएगा, वो समझ में आएगा क्या है क्या, ठीक है? चलिए ठीक, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए।